स्टूडेंट, मैं डॉक्टर अमृता दत्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, योगदा सत्संग महाविद्यालय रांची। आज इस वीडियो में मैं आपको बहमनी साम्राज्य के बारे में कुछ जानकारियाँ दूंगी। ये वीडियो को मैंने दो भागों में डिवाइड किया है। पहले इस पार्ट में आप देख पाएंगे कि बहमनी साम्राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई और इसमें कितने महत्वपूर्ण शासक ने अपना योगदान दिया। पहले तो हम ये जानेंगे कि बहमनी साम्राज्य की स्थापना कैसे हुई। अमीरान ए सादा के विद्रोह के परिणाम स्वरूप 1347 ईस्वी में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई। दक्कन के सरदारों ने दौलताबाद के किले पर अधिकार कर इस्माइल अफगान को नसरुद्दीन शाह के नाम से दक्कन का राजा घोषित किया। इस्माइल और आराम तलब होने के कारण इस पद के अयोग्य सिद्ध हुआ। शीघ्र ही उसे अधिक योग्य नेता हसन, जिसकी उपाधि जफर खां थी, के पक्ष में गद्दी छोड़नी पड़ी। जफर खां को सरदारों ने 3 अगस्त 1347 को अलाउद्दीन बहमन शाह के नाम से सुल्तान घोषित किया। उसने अपने को ईरान के इस्फंदियार के वीर पुत्र बहमन शाह का वंशज बताया, जबकि फरिश्ता के अनुसार, जो एक बहुत बड़े इतिहासकार थे, उन्होंने उन्हें ब्राह्मण गंगू का नौकर बताया। उसके प्रति सम्मान प्रकट करने के उद्देश्य से शासक बनने के बाद बहमन शाह की उपाधि ली। अलाउद्दीन हसन ने गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाया तथा उसका नाम बदलकर अहसानाबाद कर दिया। स्टूडेंट, मैं आपको ये बता दूँ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर ये सवाल आते हैं कि हसानाबाद को किसने बदला। उसने साम्राज्य को 4 प्रांतों गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बीदर में बांटा। 4 फरवरी 1358 को उसकी मृत्यु हो गई। उसके उपरांत सिंहासनारूढ़ होने के लिए शासकों में फिरोज शाह बहमनी ही सबसे योग्य शासक था। बहमन साम्राज्य की उत्पत्ति के बारे में बहुत सारे इतिहासकारों ने अपना मत और राय दिया है, जिसमें फरिश्ता जो इतिहासकार थे, उनका ये मानना था कि हसन दिल्ली के ज्योतिषी गंगू का सेवक था, जिसे मोहम्मद तुगलक का विश्वास पात्र माना जाता था। एक दिन हसन जब गंगू का खेत जोत रहा था तो उसमें सोने के सिक्कों से भरा एक पीतल की बर्तन पर एक मुद्राएं पाई गई, जिसमें हसन उस पाए हुए धन को लेकर गंगू के पास पहुंचा और गंगू अपने जीवन सेवक की ईमानदारी से इतना प्रसन्नता हुई उसके ईमानदारी पे कि उसने हसन की सिफारिश मोहम्मद तुगलक से की और गंगू अपने स्वामी के इस कृपया से बहुत खुश हुआ। बहमनी साम्राज्य के शासन या बहमनी साम्राज्य की शासन की बहुत सारे कालक्रम में बहुत सारे शासक आए, जिनमें अलाउद्दीन बहमन शाह प्रथम थे, मोहम्मद बहमनी शाह प्रथम, मुजाहिद बहमनी, दाऊद बहमनी, मोहम्मद बहमनी शाह द्वितीय, गयासुद्दीन बहमनी, शमसुद्दीन बहमनी, फिरोज शाह बहमनी, अहमद शाह प्रथम, अलाउद्दीन अहमद शाह द्वितीय, हुमायूं शाह बहमनी, निजाम शाह बहमनी, मोहम्मद बहमनी शाह तृतीय, महमूद शाह बहमनी और कलीमुल्ला बहमनी शाह। फिरोज शाह बहमनी और कलीमुल्ला बहमनी शाह के बारे में अक्सर यूपीएससी में या जेपीएससी के कुछ एग्जाम्स में आए हुए हैं कि इन लोगों के बारे में ये बताएं कि इन लोगों का शासनकाल बहमनी साम्राज्य में कब तक था। सबसे इम्पॉर्टेंट विजयनगर का जो युद्ध हुआ था वो विजय बहमनियों के साथ हुआ था। बहमनी सल्तनत की अपने पड़ोसी विजयनगर की हिंदू राज्य से लगातार अनबन चलती रही। विजयनगर राज्य उस समय तुंगभद्रा नदी के दक्षिण और कृष्णा नदी के उत्तरी क्षेत्र में फैला हुआ था और उसकी पश्चिमी सीमा बहमनी राज्य से मिली हुई थी। विजयनगर राज्य के 2 मजबूत किले मुदगल और रायचूर बहमनी सीमा के निकट स्थित थे। इन किलों पर बहमनी सल्तनत और विजयनगर राज्य दोनों दांत लगाए हुए थे, यानी कि दोनों ही चाहते थे कि यह साम्राज्य मेरे अधीन हो जाए। इन दोनों राज्यों में धर्म का अंतर भी था। बहमनी राज्य इस्लामी और विजयनगर राज्य हिंदू था।
बहमनी सल्तनत की स्थापना के बाद ही उन दोनों राज्यों में लड़ाइयाँ शुरू हो गई और वे तब तक चलती रही जब तक बहमनी सल्तनत कायम रही। बहमनी सुल्तानों के द्वारा पड़ोसी हिंदू राज्य को नष्ट करने के सभी प्रयास निष्फल सिद्ध हुए। यद्यपि इन युद्धों में अनेक बार बहमनी सुल्तानों की विजय हुई और रायचूर के दोआब पर विजयनगर के राजाओं के मुकाबले में बहमनी सुल्तानों का अधिकार अधिक समय तक रहा। बुरहान ए मासिर लेखक के अनुसार सुल्तान अलाउद्दीन शाह प्रजा की भलाई चाहने वाला और धर्म का पालन करने वाला न्यायप्रिय शासक था। उसके शासन में उसकी प्रजा तथा सेना पूर्ण सुख एवं संतोष के साथ समय बिताते थे और सच्चे दिन के प्रचार के लिए उसने बहुत सारे काम या प्रयास किए। मोहम्मद शाह के बारे में अक्सर ये इतिहासकारों का मत था कि वो बहुत अच्छे शासक थे। मोहम्मद शाह प्रथम अलाउद्दीन हसन शाह के बाद उसका बड़ा पुत्र मोहम्मद शाह प्रथम से सिंहासनारूढ़ हुआ। उसने अपने शासन में विभिन्न विभागों जैसे मंत्रालय, घरेलू टोकरियां व प्रांतीय टुकड़ियों पर भी उन्होंने अपना अधिकार किया। उसका सारा जीवन वालंगर के विजयनगर के शासकों के विरुद्ध युद्ध करने में बीत गया। यद्यपि हिंदुओं ने साहस व दृढ़ संकल्प के साथ युद्ध किया, तथापि वे पराजित हुए और उनके प्रदेश को लूट लिया गया। इनके बाद जो महत्वपूर्ण शासक थे उनमें से एक नाम मोहम्मद शाह द्वितीय का भी है, जो बहुत शांति प्रिय थे और उन्हें विज्ञान और साहित्य की खोज में ही उन्होंने अपनी पूरी लाइफ बिता दी थी। उसने मस्जिदों का निर्माण कराया, उसने सार्वजनिक शिक्षा शिक्षकालयों की स्थापना की। एशिया के सारे भागों में बहुत से विद्वान लोग उसके दरबार में आए, प्रसिद्धि पाई और वो बहुत सारे फकीरों को भी आमंत्रित करते थे। उन्होंने भारत की बहुत सारी कठिनाइयों को दूर करने का भी प्रयास किया। उन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी, उनके पुस्तक में भी बहुत सारे राजाओं के बारे में और भारत को किस तरह से अपने आप को रखना है या फिर भारत में कितनी सारी प्रॉब्लम्स है उसको दूर करने का उन्होंने प्रयास किया। राजा, उनका ये मानना था कि राजा केवल जनता की संपत्ति का संरक्षक है और इसलिए उसके द्वारा किसी भी अनावश्यक या विश्वासघात चीजों को लोगों के समक्ष नहीं लाना चाहिए। उसके दो पुत्रों गयासुद्दीन व शमसुद्दीन दाऊद का राज्यारोहण हुआ, किंतु उनका शासन केवल कुछ ही महीनों तक चला। नवंबर 1387 में उसके सिंहासन पर अलाउद्दीन हसन बहमनी के एक पौत्र फिरोज ने अधिकार जमा लिया। उसने तजुद्दीन फिरोज शाह की उपाधि धारण की। बुरहान ए मासिर जो एक बहुत बड़े इतिहासकार और लेखक थे, उन्होंने फिरोज शाह एक न्यायप्रिय और उदारचित शासक बताया, जो स्वयं कुरान की प्रतिनिधियां बनाकर तथा जिसमें हरम में स्त्रियां रहती थी वो वस्तुओं पर कढ़ाई करती थी और उसे बेच के अपना जीविकोपार्जन करती थी। वह अपनी सारी शक्ति व योग्यता कुरफ व अत्याचार के मिटाने में बयां करता था और सेखों विद्वानों व साधुओं की संगति में उसे बहुत आनंद आता था। शासन के कुछ ही वर्षों के बाद वह समय सामान्य बुराइयों को दूर करने में हटा दिया। महमूद गवां को वजीर बनाया गया और उसे ख्वाजा जहां की उपाधि प्रदान की गई। महमूद गवान ने अपनी प्रतिभा के बल पर आज की शक्ति और प्रतिष्ठा में चार चांद लगा दिया। उसने बहमनी साम्राज्य का प्रभाव से सागर तक स्थापित किया। उसने हिंदू विरोधियों का दमन किया, संगमेश्वर के राजा को अपनी अधीनता स्वीकार करने को बाध्य किया, मालवा को प्राप्त किया, राजमुंद्री पर अधिकार किया तथा उड़ीसा के शासकों से अनवरत युद्ध किया। उसने आंतरिक स्थिति पर भी काबू पाया, दरबार की दलबंदी पर अंकुश लगाया तथा प्रशासनिक सुधार की उसके बढ़ते प्रभाव से उसकी विरोधी आशंकित हो गए। उन लोगों ने सुल्तानों को अपने प्रभाव में लेकर उसे मृत्युदंड डलवा दिया।
महमूद गया की मृत्यु के एक वर्ष के अंदर ही 1482 ईस्वी में सुल्तान की मृत्यु हो गई और इस प्रकार बहमनी राज्य के विस्तार में महमूद गवां का बहुमूल्य योगदान तो था ही, परंतु उनके कुछ नीतियों के सही ना चलने की वजह से बहमनी साम्राज्य की निरंतर प्रयास या निरंतर उत्पत्ति का मार्ग में बाधा आई।